हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं रॉ मैंगो चटनी बना रही हूँ। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल ले लीजिए। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें पंचफोरन या फिर जो बोलते हैं पंचफूटन वो डाल दीजिए। नेक्स्ट ऐड करेंगे हरी मिर्च, प्याज और एक सूखी मिर्च। देन इसको अच्छे से कुक होने दीजिए जबकि ये पूरा गोल्डन कलर में आ जाए प्याज। फिर उसमें थोड़ा करी लीव्स डाल देंगे। ये करी लीव्स बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इस चटनी में। देन इसमें ऐड करेंगे रॉ मैंगो। रॉ मैंगो के छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए ताकि ये कुक होने में इजी होगा। फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। फिर इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। इसको अच्छे से चला लें। फिर हम इसमें डालेंगे कोई भी स्वीट रिप्लेसमेंट्स। आप चाहे तो इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ या फिर जैगरी पाउडर डाल रही हूँ एज ए हेल्थियर ऑप्शन। पर इसमें मिठास थोड़ा ज़्यादा लगेगा ताकि इसका खटास थोड़ा बैलेंस में आ जाए। आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गुड़ का जो पाउडर था ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। तो इसको आप अभी चलाते ही रहना या फिर ये नीचे से बर्न होने का चांसेस है। फिर इसको इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर स्टीम जो कि अच्छा खुशबू देगा। लास्ट में इसमें हम गर्म पानी थोड़ा डाल देंगे और इसको अच्छे से कुक होने के लिए 5 से 10 मिनट्स छोड़ देंगे। स्टेप में इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे और इसको उबालने देंगे अंटिल यू गेट योर डिजायर्ड कंसिस्टेंसी। और मैंगो चटनी इज रेडी टू सर्व। इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं या फिर इसको एनी स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।